नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक बेहद खास रचना आपके सामने रख रही हूँ। रघुवीर सहाय की लिखी कविता हमारी हिंदी, सुनिए। हमारी हिंदी। हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली। गहने गढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ। वह मुटाती जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल मैके पहुंचाती जाए। पड़ोसिनों से जले, कचरा फेंकने को लड़े, घर से तो खैर निकलने का सवाल ही नहीं। औरतों को जो चाहिए घर ही में है। एक महाभारत है, एक रामायण है, तुलसीदास की भी, एक राधेश्याम की भी, एक नागिन की स्टोरी में गाने और एक खारी बावली में छपा कोक शास्त्र। एक खूसट महरिन है पर पंच के लिए, एक अधेड़ खसम है जिसके प्राण अकच्छ किए जा सके। एक गुचकुलिया सा आंगन, कई कमरे कुठरिया, एक के अंदर एक। बिस्तरों पर चीकट तकिए, कुर्सियों पर गौंजे हुए उतारे कपड़े, फर्श पर ढनंगते गिलास, खूंटियों पर कुचैली चादरें जो कुएं पर ले जाकर फींची जाएंगी। घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए, घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए, सीलन भी और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी। एक संतान भी है जिसका जिगर बढ़ गया है, जिसे वह मासिक पत्रिकाओं पर हगाया करती है, और जमीन भी जिस पर हिंदी भवन बनेगा। कहने वाले कुछ भी कहें, कहने वाले कुछ भी कहें, हमारी हिंदी सुहागिन है, सती है, खुश है। उसकी साध यही है कि खसम से पहले मरे। और तो सब ठीक है, पर खसम उससे बचे तब तो वह अपनी साध पूरी करे।